नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर आशीष दावलगुप्त हूँ। हम आज एस्थेटिक्स में स्पा और एडवांस एस्थेटिक्स में लाइपोसेक्शन सर्जरी के बारे में जानेंगे। लाइपोसेक्शन सर्जरी, जैसे नाम बताता है, फैट का सक्शन करना, इसको लाइपोसेक्शन सर्जरी कहते हैं। ये किन लोगों ने करना चाहिए, कैसे करते हैं, इसके क्या रिस्क है और इसकी कॉस्ट क्या होती है, ये सवाल सबको होते हैं। अभी लाइपोसेक्शन सबके लिए नहीं होता। लाइपोसेक्शन आइडियली अगर देखने जाओ तो उन लोगों के लिए सबसे बेहतर होता है जिनको एक्सरसाइज और डाइट के बावजूद बेनिफिट नहीं मिल रहा है। होता कैसे, लाइपोडिस्ट्रोफी करके कंडीशन होती है जिसमें कुछ एरियाज पे, जैसे सैडल बैग्स हो या टमी हो या लव हैंडल्स हो, उन एरियाज में रेजिस्टेंट फैट होता है, स्टबर्न फैट भी कहते हैं। यानी आप कितना भी डाइट करो, एक्सरसाइज करो, तो ये सेल्स नहीं रिस्पॉन्ड करते। ऐसे वक्त पे अगर लाइपोसेक्शन करके आप उनको निकालोगे, फैट को निकालोगे, फैट सेल्स को, तो कंट्रोल और शेप में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और आपकी आदत तो एक्सरसाइज की है ही और डाइट का भी है, तो आप मेंटेन कर सकते हैं। ये एक कैटेगरी हुई जिन लाइपोसेक्शन सबसे अच्छा काम करता है। बट काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं, उनको लगता है कि वो डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर फिर भी वेट गेन होते जा रहा है। अभी ये जो स्टेट होता है, ये एक तो मेटाबॉलिक कोई कंडीशन हो जिनमें उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसलिए कुछ भी थोड़ा सा भी खा लो तो वेट बढ़ता है क्योंकि बर्न ही नहीं होता, सब स्टोर होता है, या फिर उनका एक्सरसाइज का जो इंटेंसिटी होना चाहिए, या फिर उनको जो लगता है कि वो सही खा रहे हैं, वो हाई कैलोरी कार्ब्स खाने से सरप्लस में रहते हैं, वो कैटेगरी हो सकती है। तो इनको आप हेल्प कर सकते हैं, लाइपोसेक्शन कर सकते हैं, मगर उनको फिर हेल्दी लाइफस्टाइल लाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। तो ये लाइपोसेक्शन जो करते हैं, वो उसमें भी काफ़ी इवोल्यूशन आया है। स्टैंडर्ड सक्शन असिस्टेड लाइपोसेक्शन ये टेक्निक होता था, जहाँ सिर्फ सक्शन कैन्यूला और एक हाई पावर सक्शन से आप स्किन के नीचे का फैट सक करके निकाला करते थे। फिर पावर असिस्टेड लाइपोसेक्शन आया, जिसमें जो कैन्यूला है वो ऑसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ स्किन के नीचे फैट के अंदर, जिसके वाइब्रेशन से फैट डिसलॉज होता है और फैट आता है। मैकेनिकल लाइपोसेक्शन, असिस्टेड लाइपोसेक्शन भी कहते हैं इसको। फिर आया अल्ट्रासोनिक लाइपोसेक्शन, जिसमें अल्ट्रासाउंड एनर्जी के साथ फैट को थोड़ा पिघलाया जाता है, इमल्सिफाई किया जाता है। वो टेक्नोलॉजी, वेजर इज वन एग्जांपल, वैसे और भी कंपनीज हैं। तो अल्ट्रासाउंड के एनर्जी से आपको असिस्टेंस मिलती है और फैट निकालना आसान हो जाता है। फिर लेज़र भी है, लेज़र एनर्जी भी यूज़ करते हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। अभी ये सब इन्वेजिव टेक्नोलॉजीज है, जिसको आपको एनेस्थीसिया लगेगा और छोटे से होल्स के जरिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे होल्स किए जाते हैं, उसमें से आप कैनुला अंदर डाल के स्किन के नीचे का फैट निकालते हैं। स्किल ये इस बात का है कि वो थोड़ा एक्सट्रैक्शन होना चाहिए और इवन होना चाहिए, स्मूथ स्किन रहनी चाहिए और आपको स्किन कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो निकालते हैं, उससे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो रख रहे हो पीछे, क्या आप रख रहे हो पूरा 100% नहीं निकाल सकते। स्किन के नीचे तो थोड़ा रखना ही पड़ता है सर्कुलेशन के लिए, मगर कॉन्टूर्स अच्छे होने के लिए, दिखने के लिए, आपको कुछ एरियाज में फैट रखना पड़ता है। ये आर्ट है, तो ये आर्ट भी आना चाहिए। सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये सिर्फ आपको नॉलेज टेक्निक का आया तो इट्स नॉट इनफ, आपको आर्ट भी आना चाहिए, एस्थेटिक्स का भी सेंस होना चाहिए, ताकि आप फिर अच्छी तरह से फिगर दे सकते हो। रिकवरी टाइम लाइपोसेक्शन के बाद वही है कि स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग को कम होने के लिए आपको 6 to 8 weeks लगते हैं, तब तक कि कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनना पड़ता है। कॉम्प्रेशन गारमेंट कंट्रोल में रखता है स्वेलिंग को, और फिर मसाजेस लेने चाहिए जिससे स्वेलिंग मिल्क आउट हो अच्छी तरह से। लिम्फैटिक मसाज अगर लोगे तो स्वेलिंग हटने के लिए आसानी होती है। स्वेलिंग जैसे ही हटती है, आपकी स्किन कॉन्ट्रैक्ट होती है और शेप में बहुत फर्क आ सकता है।
कॉस्ट, अगेन वो कॉस्ट वेरी करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कितने एरियाज कर रहे हो। एक्चुअली एक 45 मिनट से एक घंटा लगता है हर जोन को या एरिया को करने के लिए। फिर वो एरियाज मर्ज करने पड़ते हैं, स्मूथनेस देना पड़ता है। कुछ और भी वीडियोस रहेंगे जिसमें हम हाई डेफिनेशन लाइपोसेक्शन की बात करेंगे, 4D लाइपोसेक्शन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।